गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस योर हिंदी क्लास एंड टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर नंबर 9। कल हमने विशेषण पढ़ा था ना, चैप्टर 9 विशेषण पढ़ा था, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था। अब हम आज उसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, ओपन योर पेज नंबर 48। ओके, प्रश्न पे है, क्वेश्चन नंबर 1, इन चित्रों के नामों के साथ उपयुक्त विशेषण लिखिए। देखिए आम है ना, आम क्या है, मीठा होता है ना, तो यहाँ पर मीठा विशेषण आ गया इसका। पशु, पशु ये हाथी है ना, पशु ये बड़ा होता है, तो यहाँ पे इसका विशेषण बड़ा लिख गया हमने। कोट, कोट किस कलर का है, ये नीले रंग का है ना, तो यहाँ पर नीला कोट हो गया, नीला इसका विशेषण हो गया। अब साड़ी, साड़ी कौन सी है, बनारसी साड़ी है ना, तो यहाँ पर बनारसी लिख दिया, बनारसी साड़ी। दूध, दूध कैसा होता है, सफेद होता है ना, उसका विशेषण क्या हो गया, सफेद। नाग, नाग कैसा है, काला, तो यहाँ पे काला नाग। ठीक है, ख, सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। देखिए नंबर 1, क्या विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। हाँ, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं ना, यहाँ पर हाँ पर टिक लगा दिया हमने। नंबर 2, लाल कोट पहनो, इस वाक्य में विशेषण है कोट लाल या पहनो, क्या है विशेषण, लाल, लाल है ना कोट, लाल पे हमने टिक लगा दिया। बाबूजी एक रुपया दे दो, इस वाक्य में विशेषण है, क्या विशेषण है, एक रुपया या बाबूजी, तो एक विशेषण है ना ये, हमने एक पे टिक लगा दिया। नंबर 4, बंगाली रसगुल्ले खाओगे, इस वाक्य में विशेषण है, क्या विशेषण है इस वाक्य में, रसगुल्ले बंगाली ये खाओगे, बंगाली, बंगाली इसकी स्पेशलिटी बता रहा है ना, तो यहाँ पर बंगाली विशेषण है ये। ओके, नंबर 5, अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, तो इस वाक्य में विशेषण है, क्या विशेषण है इस वाक्य में, बोलते बच्चे या अच्छे, तो अच्छे जो है ये विशेषण है ना, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है बच्चों की, तो अच्छे पे टिक लगा दिया हमने। ओके, ग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो हमने इसकी परिभाषा लिख दी है, किसी वस्तु या प्राणी के गुण दोष बताने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, किसी वस्तु या प्राणी के गुण दोष बताने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे मोटा लड़का, मीठा आम, और भी हैं आगे, तो मैंने यहाँ 2 लिखे हैं। ओके, आप इतने ही याद कर लीजिए। नंबर 2 क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, संख्या बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 5 उंगलियां, 5 उंगलियां, 1 रुपया, प्रत्येक खरबूजा। ठीक है, इन सबको लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, मात्रा या परिमाण को, परिमाण का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, मात्रा या परिमाण को का बोध कराने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2 किलो आम, मुट्ठी भर रेत, कुछ दूध, बहुत समय, ये सब क्या है, कुछ, बहुत, मुट्ठी, मुट्ठी भर, 2 किलो, ये सब क्या है, परिमाणवाचक विशेषण है इसमें। नंबर 4, संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे ये लड़का, लड़के की तरफ संकेत किया जा रहा है ना, यह लड़का, तो यह संकेतवाचक विशेषण हो गया। वे छात्र, वे क्या हो गया, छात्रों के लिए वे यूज हो रहा है, तो संकेतवाचक विशेषण वे। यही कमीज, कमीज के लिए यह बोल रहा है ना, यह वाली, यही वाली कमीज है, तो यही संकेतवाचक विशेषण है। ओके, आप ये सारे क्वेश्चन आंसर पक्के पक्के लर्न करेंगे, अपनी बुक में लिखेंगे और लर्न करेंगे। घ, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांटिए।
हमें क्या करना है, ये वाक्य लिखे हैं यहाँ पर, इनके विशेषण और विशेष्य लिखने हैं। देखिए विशेषण क्या होता है, जो उसकी विशेषता बताते हैं किसी चीज की, और विशेष जिस चीज की विशेषता बता रहे हैं वो विशेष हो जाते हैं। से अनुज चतुर है, तो यहाँ पे विशेषण क्या हो गया, यहाँ पे चतुर, और अनुज क्या है, विशेष। नंबर टू, वह गरीब है, तो गरीब जो है विशेषण हो गया और वह विशेष हो गया। गांधी जी सत्यवादी थे, तो सत्यवादी यह विशेषण हो गया, गांधी जी विशेष हो गए। काला घोड़ा तेज दौड़ा, तो यहाँ काला तेज दौड़ा ये विशेषण हो गए और घोड़ा विशेष हो गया। ओके, अब आओ सीखे, इनके विशेषण बनाइए। इन शब्दों, ये शब्द लिखे हुए हैं, इनके विशेषण लिखने हैं। देखिए पाप, पाप का विशेषण पापी। प्यास, प्यास का विशेषण क्या हो गया, प्यासा। मास का मासिक, दिन का दैनिक, वर्ष का वार्षिक, दया का दयालु, पहाड़ का पहाड़ी, रोग का रोगी, झगड़ा का झगड़ालु। ये सब क्या है, इन शब्दों के विशेषण है, आप इनको अच्छे से लर्न करेंगे और समझेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज आप अपनी बुक में करेंगे, और जो न समझ में आए वो मुझसे पूछेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।